नमस्कार दोस्तों, इंडिया रेलवे न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को फिर से जेई का प्रिपरेशन करवाऊंगा क्वेश्चन। तो मैं इतने दिनों अस्वस्थ होने के कारण अनुपस्थित रहा, तो चलिए आप लोग आज से फिर जेई के क्वेश्चन पढ़ना और सुनना स्टार्ट कर दे, दूसरे दोस्तों के फटाफट शेयर कर दे ताकि वो हमारे चैनल से फिर जुड़ जाए। तो आप लोग शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक बटन दबा दीजिए। और मैं आप लोगों को अलार्म सेट कर देता हूँ, 5 सेकंड दूंगा आप लोगों को, और आप लोग अपने कॉपी पे आंसर लिखते जाइएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितना आंसर किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन का राइट इंडेक्स निर्भर करता है ए ट्रैक की गति पर, सॉरी ए ट्रैक की ज्यामिति पर, बी गाड़ी के डिजाइन पर, सी गाड़ी की गति पर, डी हो जाएगा उपयुक्त में से सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रैक टॉलरेंस भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? ए नए ट्रैक की टॉलरेंस, बी सर्विस टॉलरेंस, सी सेफ्टी टॉलरेंस, डी हो जाएगा नो। इसका आंसर हो जाएगा सी सेफ्टी टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कटिंग मशीन की एक रेल को काटने में कितना समय लेती है? ये हो जाएगा 10 मिनट, बी 20 मिनट, सी 30 मिनट और डी हो जाएगा 45 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल क्रिप एडजस्टर का कर्षण बल करीब कितना होता है? रेल क्रिप एडजस्टर का कर्षण बल करीब कितना होता है? ए हो जाएगा 4 टन, बी 5 टन, सी 6.5 टन और डी हो जाएगा 8 टन। इसका आंसर हो जाएगा सी 6.5 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव चलित स्लीपर एक्सपेंसर की निर्धारित क्षमता कितनी होती है? यह हो जाएगा 5 टन, बी 8 टन, सी 9 टन और डी 11 टन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 8 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह हो जाएगा ओम, बी हो जाएगा ओम मीटर, सी न्यूटन और डी मैन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा बी ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलों को मोड़ने या काटने या तोड़ने के लिए कौन से औजार का इस्तेमाल किया जाता है? ए गैती, बी शब्बर, सी जिम क्रो, डी हथौड़ा। इसका आंसर हो जाएगा सी जिम क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति चालकता का लक्षण है उच्च प्रगम्यता, बी हो जाएगा निम्न प्रगम्यता, सी शून्य प्रगम्यता, डी अनंत प्रगम्यता। इसका आंसर हो जाएगा ए उच्च प्रगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? ए हो जाएगा विद्युत अवघटन से, बी गैस के दाब से, सी विद्युत विच्छेदन से और डी विद्युत प्रसार से। इसका आंसर हो जाएगा ए विद्युत अवघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपर की पैकिंग के लिए कौन सा औजार का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग बताइए फटाफट। ए हो जाएगा गैंती, बी शब्बल, सी जिम क्रो और डी हथौड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी अवधि के कार्य में यदि ट्रेन को रुककर जाना हो तो ब्रॉडगेज में क्रॉसिंग इंडिकेटर कितने मीटर पर लगाए जाते हैं? यह हो जाएगा 1000 मीटर, बी 800 मीटर, सी 1200 मीटर और डी 1400 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग इंडिकेटर की ऊंचाई रेल लेवल से कितना मीटर होता है? कॉशन इंडिकेटर की ऊंचाई रेल लेवल से कितना मीटर होता है?
ए हो जाएगा 1.65 मीटर, बी 1.75 मीटर, सी 2 मीटर और डी 2.25 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित छुट्टी इकट्ठा करने की अधिकतम सीमा क्या है? ये हो जाएगा 240 दिन, बी 300 दिन और सी 8 महीना, डी नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा बी 300 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल के सेक्शन कंट्रोलर किस श्रेणी में आते हैं? ए गहन श्रेणी, बी अभिरामी श्रेणी, सी विरामी कर्मचारी और डी अपवर्जित। इसका आंसर हो जाएगा ए गहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन किसकी मूलभूत मात्रा है? ए प्रकाश की, बी गुरुत्वाकर्षण की, सी विद्युत की और डी चुंबक की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रकाश की। तो चलिए मैं लास्ट आप लोग को क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि रेलवे को, रेलवे के सभी अधिकारियों को फर्स्ट बार कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? रेलवे के सभी अधिकारियों की फर्स्ट बार कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? तो आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा, और आप लोग फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए रोज वीडियो बनाते रहे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।